हाय दोस्तों, अभी तक आपने दो डार्ट में पॉइंटेड ब्लाउज की कटिंग आपने देखा। अब इसकी मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाता हूँ कि ये बनता कैसे है, दो डार्ट में पॉइंटेड ब्लाउज लगता कैसे है। आइए, सबसे पहले हम लोग ये मार्किंग उठा लेंगे कि ये दो पल्ला है। पॉइंटेड ब्लाउज में अस्तर दो पीस कट होते हैं, जो कि एक इसमें थप जाएगा, फिर पैड लगेगा, उसके बाद से यहाँ से एक कवरिंग हो जाएगा। इसको हम पहले इसको एक पल्ले को इसमें थप देंगे। ऐसा थाप देंगे और इसको पूरी सिलाई मार देंगे। ये एक पल्ला हमने थाप दिया है, अब ये डार्ट मारेंगे कप्स लगाने के लिए। ये थोड़ा डार्ट हो गया बड़ा बड़ा, अब ये आर्मोर का डार्ट मार देंगे। आपका दो डॉट कंप्लीट हो गया है, दो डॉट में हम पॉइंटेड ब्लाउज की सेटिंग करेंगे। देखिए ये आपका बैठ जा रहा है टप्स, तो इसको हम लगाएंगे। इसको अब ये जो कवरिंग करना है ये अस्तर, इसको डाट मारेंगे और कटोरी हम इसमें लगाएंगे जो मार्क लगा हुआ है। ये आपका अस्तर का भी तैयार हो गया, इसको हम कटोरी लगाने के लिए एक कटोरी का सेंटर निकालेंगे। इसका सेंटर हम निकाल लीजिए, दोनों साइड सेंटर निकाल लीजिए इसको। अभी जो ये कटोरी का सीधा है इसको उल्टा कर लीजिए, सब ये आपका सीधापन है इसको उल्टा कर लीजिए और उसको यहाँ पर रख के सिलाई मार दीजिए। इसका ये सेंटर और ये सेंटर मिला के
इसका आपको सिलाई मार देना है ये कुछ इस तरह से। ये जो सेंटर है ये सेंटर में ऐसे रख दीजिए आप, और इस तरह से आप मशीन उठाइए, इसको आप ऐसा कर लीजिए। अब इसको ऐसा राउंड में सिलाई मार दीजिए। ये आपका ये उल्टा है, ये भी ये सीधा हो जाएगा, ये देखो ऐसा हो जाएगा। अब इसी तरह से ये भी लगाइए आप, देखो ये सीधा है, इसको आप उल्टा कर लीजिए, इसको भी इसका सेंटर देखिए बराबर से, सेंटर आउट नहीं होना चाहिए, सेंटर अगर आपका आउट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सेंटर आउट नहीं होना चाहिए, उससे कप्स आपका अप डाउन हो सकता है। देखिए ये पकड़ लीजिए आप, इसको इस तरह से परफेक्ट राउंड करके परफेक्ट आप इसको सिलाई मार दीजिए, इसे सिलाई मार के आप निकाल लीजिए। पूरा सिलाई नहीं मारना है आपको, आपको पौना इंच इधर छोड़ना है, पौना इंच इधर छोड़ना है कटोरी का। ये देखिए मैंने पूरा नहीं मारा है, इतना इतना छोड़ देना है। अभी आपको जो ये जो कच्चा वाला आपका मार्जिन है इसको आप पकड़िए, अब इसको इसी तरह से रखिए, ऊपर साइड रखिए, जो कि पलटी होने के बाद ये अंदर साइड में कवर हो जाएगा। इसको पकड़ के आप स्टिच कर दीजिए आराम से, फिनिशिंग के साथ में फिनिशिंग का ध्यान रखिए, जो भी काम करिए आप फिनिशिंग का ध्यान रखिए। खींचिए मत, कोई भी पल्ला मत खींचिए, दोनों पल्ला को आराम से रखिए और धीरे धीरे मशीन को पुश कीजिए, सब बराबर आएगा, कुछ छोटा बड़ा नहीं होएगा। देखिए मैं पलटी किया, ये बाहर आ गया, ये देखिए आपका ये कवर हो गया। इसको आप एक सिलाई और मार सकते हैं इस तरह से, जो कि अच्छे से बैठ जाएगा, इस तरह से पकड़िए, इसके एज पे एक सिलाई मार दीजिए, जो कि वो बराबर से बैठ जाए। ये आपका फिनिशिंग में हो गया इनसाइड में, और ये आपका ये ट्रांसपेरेंट भी हो गया, फिनिशिंग भी हो गया आपका, ट्रांसपेरेंट भी हो गया। अब इसको आप ऐसा ये फंसा दीजिए चारों साइड से, इसको चारों साइड से इसको फ्लिक कर दीजिए, ये आपका कप्स सेट हो गया। देखिए कवरिंग भी हो गया, कप्स अंदर चला गया, ये आपका रेडी हो गया। अभी हम गले की फिनिशिंग करेंगे और नीचे का फिनिशिंग करेंगे। ये हमने क्रॉस पट्टी लिया है कि गले की फिनिशिंग के लिए, अंदर से बाहर हम इसको पक्का कर देंगे। इसको इस तरह से खींचिए, हल्का हल्का खींचिए, तो आपका पाइपिंग अच्छे से बैठेगा। उल्टे साइड से लगा दिया हमने, अब सीधे साइड में हम इसको पक्का कर देंगे।
इसको थोड़ा आप छाड़ दीजिए, जो कि बैठने में इजी पड़े। इसको एक जैसा आप कट कर दीजिए, बारीक बारीक कट कर, धीरे धीरे इसको एक जैसा आप कट कर दीजिए। बहुत हार्ड है इसकी लेस फैब्रिक, इस तरह से धीरे धीरे आप छाड़ दीजिए एक जैसा, तो बैठने में आराम हो जाएगा। उसके ऊपर ही डबल करके आप मार दीजिए, उसको यहीं पर रोल कीजिए और यहीं पे इसको पक्का कर दीजिए उसके ऊपर ही, और बहुत सफाई से पक्का कीजिए, जो कि आपका नेक लाइन है जितना अच्छा सुंदर आप बिठाएंगे आपका गला उतना ही सुंदर दिखेगा। इसलिए हाथों की फिनिशिंग आप बहुत अच्छा से रखिए, एक जैसा दिखे। प्यार से मोड़ते जाइए और स्टिचिंग करते जाइए, बहुत प्यारा और सुंदर बैठेगा। ये देखिए, ये आपका गला रेडी हो गया बिना आयरन मारे, कितना अच्छा फिनिशिंग आया ऐसे गले की। देखिए ये देखिए, आप भी इतना साफ़ सुथरा से बनाइए जो कि बहुत सुंदर बैठेगा। उसी तरह से हम नीचे का फिनिशिंग पट्टी लगा देंगे। ये अंदर से इसको भी बाहर इसके ऊपर ही पक्का कर दीजिए आप, ये आपका फिनिशिंग पट्टी हो जाएगा। इस तरह से डबल कीजिए, तो इसके ऊपर ही पक्का कर दीजिए। ये नीचे का भी फिनिशिंग हो गया, ये आपका रेडी हो गया। फ्रंट आपका तैयार हो गया है, अब हम बैग बनाएंगे। ये आपका बैग है, इसको भी इसी तरह से जो कच्चा वाला एरिया है इसको भी ऐसा हम पक्का कर देंगे। जिस तरह से फ्रंट हमने बनाया उसी तरह से बैग का भी ये एरिया पक्का करेंगे, अंदर से पक्का हो जाएगा। पंटी करेंगे तो ये भी पक्का हो जाएगा। देखिए आपका ये कवरिंग हो गया, ये जो यहाँ कच्चा था ना, ये देखिए आपका कवरिंग हो गया। इसको आप इस तरह से रख लीजिए, आप इसको भी फंसा दीजिए। इसको चारों साइड से हम फंसा देंगे। ये आपका बैग भी तैयार हो गया, ये भी कवरिंग हो गया अस्तर से। अब इसको हम डाट मारेंगे। इस पल्ले में भी हम डाट मार देंगे। अब यहाँ पे हम इकाई पट्टी बनाएंगे, खूब पट्टी बनाएंगे, बैग ओपन का पट्टी बना लेंगे हम पहले।
एक डेढ़ इंच की पट्टी लेंगे, उस पर सिलाई मार लेंगे। सिलाई मारने के बाद ये बैक का जो आपका राइट साइड है बैक का, इस तरह से उसमें हम तो पट्टी लगाएंगे। इसको स्ट्रेस करके इसके एज पे एक सिलाई मार देंगे, इस तरह से साफ सुथरा करके सिलाई मारिएगा आप लोग। आप लोगों का हुक पट्टी तैयार हो गया। अब यहाँ पे आई पट्टी बनाएंगे, जैसो जो कि इसके ऊपर पल्ला चढ़ के बनेगा। ऐसा तीन इंच की पट्टी काटेंगे, उसको इस तरह से अंदर से बाहर पक्का करेंगे उसको। आप इसको फिर इसको ऐसा कर दीजिए, डबल हो गया, फिर इसको एक बार और फोल्ड कर दीजिए इसके ऊपर, ये चौबल पल्ला हो गया। ये दो दो चार पल्ला हो गया, मतलब ये आपकी आई पट्टी थोड़ी हार्ड हो गई। इस तरह से आप सीधा सीधा मारते चले जाइए, यहाँ पे आपकी आई बनेगी जिसमें हुक फंसेगा। एक सिलाई और मार दीजिए, एक दाब की इसे, क्या सुंदर हो जाएगा, थोड़ा सुंदर और अच्छा लगेगा। ये आपकी आई पट्टी तैयार हो गई, ये देखिए, ये इसके ऊपर ऐसा चढ़ के बन जाएगा, ये आपका ऐसा बनेगा, ये चढ़ गया इसके ऊपर बन जाएगा। देखिए एक डेढ़ इंच की पट्टी काटेंगे, उसको भी नीचे वाला फिनिशिंग मार देंगे। ऐसा पक्का कर देंगे इसके ऊपर ही, ये पट्टी ऊपर नीचे से ऊपर लगाने का कारण ये है कि ये फिटिंग बहुत अच्छा बैठता है इस पट्टी से, ये ग्रिप बहुत अच्छा पकड़ता है। ये पट्टी, ये जो बढ़ती हुई पट्टी लगती है, इससे ग्रिप अच्छा बैठता है फिटिंग में इस पट्टी से। और जो ऐसा पट्टी मोड़ के बनाया जाता है इस तरह से, उससे फिटिंग में ग्रिप में बहुत अच्छा फिनिशिंग नहीं आता है। ये पट्टी लग जाने से ना आपको उसको ग्रिप, बॉडी को ग्रिप पकड़ती है, इसलिए बढ़ती हुई पट्टी लगाइए आप लोग कभी भी। जैसे आपने फ्रंट गला का पट्टी मारा, सेम ऐसी आप बैक गले का ही पट्टी मारी है।
अंदर से बाहर कपड़ा कर दीजिए, दोनों गला साथ में लगा लीजिए। आप एक एक करके भी बना सकते हैं और साथ में भी बना सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। ये आपका बैक गला भी तैयार हो गया, फ्रंट गला भी तैयार हो गया। तो हम इस तरह से करके शोल्डर जोड़ देंगे इसको। ये आपका शोल्डर तैयार हो गया, बैक फ्रंट का शोल्डर स्टिचिंग हो गया है। अभी ये आर्मल की पट्टी हम लगा के फिनिशिंग करेंगे। अब बैक में ये लेस लगा देंगे, ये इस तरह से। जिस तरह से गले में पट्टी लगाया है उसी आर्मोल में भी पट्टी मार देंगे, क्योंकि इसके अंदर सिलेट नहीं लगेगा, तो बिना आस्तीन का है। पट्टी को हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा खींचिए। जिस तरह से आप गले में पट्टी लगाए हैं सेम वही तरीके से इस आर्मल में भी पट्टी लग जाएगी। फिनिशिंग का ध्यान रखिए। इसको बहुत आराम से बहुत साफ़ सुथरा बनाइए, जिससे जो फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी है। ये ब्लाउज पहनने के बाद ये पट्टी आपकी दिखाई देगी, और पट्टी की फिनिशिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, एक जैसा और नीट टाइप। ये आपका आर्मोल की पट्टी तैयार हो गई है। सेम इस बाजू भी आप लगा लीजिए इसी तरह से। ये आपकी आर्मोल की पट्टी रेडी हो गई है दोनों साइड से। अब जो हमने एक इंच का मार्जिन रखे थे वो एकदम साइड मार देंगे, इसकी फिटिंग तैयार हो जाएगी।
इसकी दोनों साइड की आप सिलाई मार के अब इसका मेजरमेंट आप चेस्ट वेट चेक कर लीजिए। उसको सीधा कर लीजिए पहले, उसको सीधा करके फिर इसका मेजरमेंट आप एक बार चेक कर लीजिए। इसका चेस्ट आप चेक कर लीजिए, 34.5 है। यहाँ देख लीजिए आपका 34 आया क्या, 17 आ गया, 17 दुना 34, आपका चेस्ट लाइन बराबर हो गया। अब इसी तरह से आप वेस्ट लाइन भी चेक कर लीजिए, आप ये आपका 14 आ गया है, 14 का हो गया आपका 28, वेस्ट का 28, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका बैक पोर्शन है, आपका ब्लाउज कंप्लीट हो गया। ये कमर बेल्ट बन रहा है, ये वेस्ट बैंड बन रहा है जिसे हिंदी में कमर पट्टा कहते हैं और कर्धन भी कहते हैं, कर्धन। इसको साड़ी पहन के ये उसके ऊपर से कमर में पहना जाएगा। कर्धन बन रहा है, बहुत सुंदर बनने वाला है ये। इस कर्धन को लेस लगा के इसका स्टाइल बनाया जा रहा है, डेकोरेट किया जा रहा है। ये आपका तैयार हो गया वेस्ट बैंड, इसे हिंदी में कर्धन भी कहते हैं। ये लोवेस्ट पे पहना जाएगा साड़ी पहनने के बाद। हाय फ्रेंड्स, इसकी स्टिचिंग हो गया। दो डार्क में पैडेड ब्लाउज कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाया, उसकी फिनिशिंग और उसका पैडिंग दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो बैग देख रहे हो आप, ये बड़े साइज की डमी है, ये 36 साइज की और ये 34 साइज का ब्लाउज बना हुआ है, इसलिए बैग आपको मैं फिर से लिखा जाए। दो डार्क में आपका पैटर्न ब्लाउज सेट हो गया है, देखिए आपका कितना सुंदर, कितना नेट बैठा हुआ है। और ये कमर बेल्ट बना हुआ है, साड़ी पहनने के बाद यहाँ पर लगाया जाएगा। आपको ये स्टिचिंग कैसा लगा, आपको पसंद है तो लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।